कृषि की विशेषताएं, समस्या और नीतियाँ। कृषि वे सभी क्रियाओं को शामिल करता है जिसका संबंध फसलों के उत्पादन के लिए भूमि को जोतने से है, जिसमें खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें आती हैं। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ और चावल, गैर खाद्यान्न फसलें जूट और कपास। कृषि जो है भारत अर्थव्यवस्था का बहुत ही प्रमुख घटक है। ये उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जो मानवीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए फसलों की खेती विश्व में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। पहला, ये सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नियोजन की अवधि के दौरान GDP में योगदान जो है 14.2 से लेकर 51% रहा है। 1950-51 में 51% योगदान था कृषि का GDP में। 2011-12 में घटकर 14.2 हो गया और आज 2014-15 में ये GDP में 17.4% था। हालांकि कृषि का प्रतिशत GDP में कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कृषि का महत्व कम हो गया है, बल्कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, समृद्धि हुई है। इसके अलावा मजदूरी वस्तुओं में की पूर्ति, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, मजदूरी वस्तुओं का उत्पादन फसलों खेती में केंद्रीय महत्व रखता है। मजदूरी वस्तुएं वे होती हैं जो जीवन के व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे गेहूं, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि। ये कृषि वस्तुएँ हैं, वेज गुड्स बोलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 121 करोड़ लोगों को भोजन और 51 करोड़ पशुओं को चारा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा रोजगार, कृषि जो है रोजगार का प्रमुख स्रोत है। भारत में 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसका तात्पर्य है कि कृषि भारत में लोगों को जीवन निर्वाह के लिए प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा उद्योग, कच्चा माल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, कृषि जो है कच्चे माल को प्रोवाइड करती है। कपड़ा उद्योग के लिए कपास देती है, तेल उद्योग के लिए तेल बीज प्रोवाइड करती है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना प्रोवाइड करती है। तो पूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान, हम जानते हैं कृषि जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान देती है। हम चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करते हैं। ये सभी वस्तुएं जो है कृषि कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा भाग है, जिससे हमें विदेशी करेंसी प्राप्त होती है, विदेशी करेंसी का प्रयोग हम भारत के लिए रक्षा सामग्री, औजार वगैरह और कच्चे तेल का आयात करने के लिए उपयोग करते हैं। घरेलू व्यापार में योगदान, देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात से भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि वस्तु को खरीदते बेचते हैं, जिससे घरेलू व्यापार में योगदान मिलता है। इसके अलावा यातायात उद्योग का समर्थन, भारत में कृषि जो है यातायात उद्योग के लिए में भी योगदान देती है, क्योंकि जो कृषि उत्पाद है उसके लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है। कृषि जो है यातायात सेवाओं की मांग के रूप में यातायात साधनों को भी समृद्धि को योगदान करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कृषि जो है वो उत्पादन के रूप में और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गैर कृषि जो उत्पाद होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो फार्मर्स इनकम अर्न करते हैं वे इंडस्ट्रियल गुड्स पे भी इनकम को स्पेंड करते हैं, इसलिए GDP की समृद्धि को ये अधिक तरीके से प्रभावित करती है। इसके बाद है कृषि की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है निम्न उत्पादकता है। विश्व के उन्नत देशों की तुलना में हमारी उत्पादकता निम्न है। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। चावल का देखा जाए तो भारत में 3.2 टन है, जबकि चीन और USA में 6.7 और 7.5 है। गेहूं का देखा जाए तो भारत में 2.8 टन है, जबकि चीन में 4.7 और USA में 3.1। मक्का का देखा जाए तो भारत में 1.5 और चीन में 9, USA में 9 टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो निम्न उत्पादकता हमारे पिछड़ेपन को दर्शाता है, और कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का स्रोत बनता है। अगर कृषि क्षेत्र जो है पिछड़ापन हो रहा है या समृद्धि नहीं हो रही है तो औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा छिपी बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें गुप्त बेरोजगारी होती है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यह भारत में बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है, जिस पर भूमि के टुकड़े पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो वास्तविक आवश्यकता है उससे अधिक काम कर रहे होते हैं, ये बेरोजगार होते हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को वहाँ से निकाल लिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। यह बेरोजगारी की स्थिति जो है कृषि के बाहर रोजगार में कमी को दर्शाती है। यह अल्पविकसित का चिन्ह है। इसके अलावा वित्त का अभाव, भारतीय कृषि एक अन्य बड़ी समस्या। वित्त का अभाव है, किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य संबंधित आवकों को खरीदने के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि खरीदने के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। संस्थागत, गैर संस्थागत साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। महाजन और भूस्वामी बहुत अधिक ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं, और संस्थागत जो वित्त है जो कि बैंकों, सहकारी साख समितियाँ या अन्य वित्तीय संस्थाएँ जो हैं वे पूरी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, इसलिए किसानों को उधार जो है कुछ लागत पर लेना पड़ता है, वे ऋण जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा है परंपरागत दृष्टिकोण, खेती संबंधित परंपरागत दृष्टिकोण भारत की कृषि की समस्या भी है, विशेषता भी है। जो कृषक है या किसान है, फार्म तकनीकी और फार्म
हम प्रबंधन व्यवहार को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। वे प्रारंभिक ज्ञान को अपनाए हुए हैं। खेती करना उनका जीवन निर्वाह का साधन है, स्रोत है। वे व्यापार के उद्देश्य से या फिर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते। वे केवल अनाज की प्राप्ति के लिए खेती करते हैं। जोखिम उठाने से डरते हैं और उद्यमशीलता का अभाव उन्हें पाया जाता है। इसके अलावा छोटी और बिखरी जोतें, भारत में जोतें न केवल छोटी हैं बल्कि बिखरी हुई हैं। छोटी जोतें पर उत्पादन की तकनीक का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता, जबकि बिखरी हुई जोतें होने से प्रबंध की लागत बढ़ जाती है, मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। छोटी और बिखरी जोतें पर ट्रैक्टर, थ्रेशर आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना बहुत ही कठिन होता है, उत्पादकता जिससे घट जाती है। शोषक कृषक संबंध, एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीगेशन, कृषक संबंध से अभिप्राय भूस्वामियों और पट्टेदारों के बीच संबंध से है। जो भूस्वामी है वह अनुपस्थित भूस्वामी है, वे अपनी भूमि को जोतने के लिए लगान पर देते हैं और लगान आय प्राप्त करते हैं। वे पट्टेदारों का शोषण करते हैं, वे ऊंचा लगान प्राप्त करते हैं। लगान का भुगतान करने के बाद पट्टेदार या कृषक के पास इतना राशि नहीं बच पाती कि वे खेत पर निवेश कर सके और जिससे खेत की उत्पादकता बढ़ सके। इस कारण उत्पादकता निम्न रहती है। इसके अलावा व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है। किसी की उपज जो है कि जो विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है। छोटे किसानों को बड़ी संख्या में जो आज भी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडियों में कम कीमत पर बेचना पड़ता है, क्योंकि वे महाजनों से ऋण लेते हैं और ऋण के बदले उन्हें अपनी जो उपज है वे सस्ते में बेचनी पड़ती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि है वह अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। फसलों के उत्पादन से लेकर विक्रय तक उत्पादन के स्तर पर आधुनिक आगत जो है आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा और विपणन प्रणाली जो है वो सही नहीं है और व्यवस्थित नहीं है और किसानों का जो मानसिकता है, दृष्टिकोण, वे भी पिछड़ा हुआ है और वे जोखिम उठाने से बचते हैं और जीवन निर्वाह खेती करते हैं। सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है उनकी खेती, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। इसके अलावा वर्षा पर निर्भरता है, वर्षा अधिक अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, वर्षा कम होगी तो उत्पादन कम होगा। निर्वाह खेती पर निर्भर रहते हैं वे। इसके अलावा आधुनिक आगतों का अभाव है, लघु जोते हैं, भूस्वामी काश्तकार संबंध जो है हमने पढ़ा था अभी, और पिछड़ी तकनीक है, किसान जो है पिछड़ी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। आज भी पशु शक्ति और मानव शक्ति पर अधिक निर्भर रहते हैं, ट्रैक्टर थ्रेशर आदि का उपयोग नहीं करते। इसके अलावा जो है सिंचाई का साधनों का अभाव है, आज भी की सिंचाई के साथ स्थायी साधनों का बहुत अधिक अभाव है, वर्षा के जल पर निर्भरता है। भारतीय कृषि बहुत अधिक सुरक्षित और संवेदनशील है, अच्छी वर्षा होने पर अच्छी उत्पादन होता है, जबकि सूखे कारण उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इसके बाद है कृषि संबंधी सुधार। भारतीय कृषि का सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई सुधारात्मक उपाय पाए हैं। ये जो है तकनीकी सुधार हैं, संस्थागत सुधार हैं और सामान्य सुधार हैं। तकनीकी सुधार में आता है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग, वैज्ञानिक खेती का यूज और खेती के यंत्रगत साधन यानी ट्रैक्टर थ्रेशर का उपयोग। संस्थागत सुधार में आता है मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया गया, लगान का नियमन किया गया, 1/3 लगान दिया जाएगा, चकबंदी की गई और भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारित की गई और जिसके पास उससे ज्यादा है उसका पुनः वितरण किया गया। छोटे किसानों में सहकारी खेती की गई। जनरल रिफॉर्म्स में आता है सामान्य सुधारों में सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया, साख का प्रबंध करवाया, नियंत्रित बाजार और सहकारी विपणन समितियां बनाई, कीमत समर्थन नीति अपनाई जिसमें किसानों को पहले ही कीमत निर्धारित कर दी जाती है उनकी क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए। अब तकनीकी सुधार में देखते हैं कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। 1965 से भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों को परंपरागत बीजों का स्थान ले लिया है। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार तथा कपास के लिए विशेष रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग ने कृषि उत्पादकता बढ़ा दी है। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई जिसने 2012-13 में 328 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किया। रासायनिक खाद का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, किसी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा। गांव में कंपोस्ट खाद के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। रासायनिक खाद के प्रयोग से समय के साथ काफी वृद्धि हुई है। 2013-14 में 245 लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग किया गया है। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उचित प्रयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र जो स्थापित किए गए हैं। पौध संरक्षण के लिए एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंधन कार्यक्रम को अपनाया गया है। साथ ही अधिक उपज देने वाली तकनीक को भी अपनाया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास स्टार्ट किया गया है। खेती की पारंपरिक विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिसमें फसलों का चुनाव है, फसलों की किस्म है, भूमि की तैयारी है, फसल हेरफेर है, बीज का चुनाव है, खाद का उचित प्रयोग है, सूखी खेती आदि से संबंधित बढ़िया कृषि विधियों को अपनाने के लिए जोर दिया गया है। गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम भी कृषि के विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 23 कृषि विश्वविद्यालय भी स्टैब्लिश किए गए हैं।
खेती के यंत्रीगत साधन मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती के यंत्रीगत साधनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वो किया गया, बल दिया गया। छोटे किसानों को सहकारी समितियों, छोटे तथा सीमांत कृषक एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई गई है। लगभग सभी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए कृषि उद्योग निगम यानी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन स्थापित की गई है। इसके अलावा जो संस्थागत सुधार थे यानी भूमि सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर लैंड रिफॉर्म्स, ये क्या है? ये रिफॉर्म्स जो होते हैं लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भूमि के स्वामी और भूमि के काश्तकार के बीच संबंध है उसे सुधारने के लिए अपनाए गए हैं और जोतों का आकार और उनके पर लगान देने से संबंधित है। इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, अबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी, मध्यस्थों यानी राज्य और भूमि के स्वीप, राज्य और भूमि के वास्तविक जोतने के बीच वालों के बीच जो जमींदार होते थे उनका उन्मूलन किया गया। स्वामित्व का अधिकार जो भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसान को दिया गया, इससे ताकि जमींदारों द्वारा शोषण खत्म किया जा सके। लगान का नियमन किया गया, किसानों से अत्यधिक और गैरकानूनी जबरदस्ती वसूल करने के लिए करने का लगान जो है उसे खत्म किया गया। लगान की राशि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। चकबंदी की गई, जो विखंडन थी, फ्रेगमेंटेड की समस्या थी, इधर उधर बिखरी हुई लैंड थी, उन्हें एक साथ बना दिया गया। 2004 तक 630 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी का अंदर लिया गया। इसके अलावा भूमि की इष्टतम सीमा निर्धारित की गई, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, भूमि के वितरण को समान तक उत्साहित करने के लिए जोतों के आकारों की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई। निर्धारित उच्चतम सीमा से ऊपर जिसके पास भी अधिक भूमि होती थी उसका पुनः वितरण छोटे किसानों में किया गया। सहकारी खेती, चकबंदी के लाभों को इष्टतम करने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगी बाजार संरचना में छोटे जोत धारकों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि भूमि के जो सुधार हैं वो क्यों अपनाए गए, क्योंकि एक तो शोषण खत्म करने के लिए जो जमींदारों द्वारा काश्तकारों का हो रहा था या फिर कृषकों का हो रहा था, और असमानता को खत्म करने के लिए और समानतावादी समाज यानी इगलिटेरियन सोसाइटी को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जो जनरल रिफॉर्म्स है उसमें था सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। देश में लगभग कई बड़ी छोटी परियोजनाएं स्टार्ट की गई। 1951 में केवल 17% भूमि पर सिंचाई के साधन थे, जबकि अब जो है 45% लगभग है सिंचाई सुविधा। बहु उद्देश्यीय परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और ट्यूबवेल्स के कारण अब सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था संभव नहीं है वहां ड्राई फार्मिंग यानी सूखी खेती को तकनीक को अपनाया गया है। इसके अलावा साख का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ब्याज की उचित दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी साख समितियां, किसानों को बढ़ती साख जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बैंक यानी रूरल RRB और प्राथमिक कृषि साख समितियां जो है वो स्टैब्लिश की गई। और राष्ट्रीयकरण के बाद जो है व्यापारिक बैंकों ने काफ़ी साख की आवश्यकताओं की पूर्ति की। लगभग जो साख जो है उसकी आवश्यकता के लिए 72% जो है कुल संस्थागत साख जो है केंद्रीय व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी इस्टैब्लिश किए गए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल नाबार्ड की इस्टैब्लिश किया गया 1982 में। 2013-14 किसानों की साख सुविधाओं को संस्थागत बनाया जा सके। 2013-14 में किसानों को संस्थागत साख के लिए 7 लाख करोड़ का अनुमान जो है संस्थागत साख दिया गया। इसके अलावा नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां एस्टेब्लिश की गई, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, देश के सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जो है किसानों को उनकी उपज के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराना, मध्यस्थों का शोषण करना था। इन बाजारों का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समितियां करती हैं। समितियों में किसानों के प्रतिनिधि भी होते हैं। समितियां सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को समय पर भुगतान हो, सुनिश्चित करती है किसानों की उचित मूल्य मिले। बाजार में कृषि विपणन में किसानों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी विपणन समितियां भी स्टैब्लिश की गई हैं। समितियां सुनिश्चित करती हैं कि किसानों की वस्तुओं की ग्रेडिंग हो, उन्हें तभी बेचा जाए उचित कीमत मिले। सहकारी समितियां सुनिश्चित करती हैं बाजार में कृषि उपज की अधिक पूर्ति ना हो ताकि फसल कीमत लागत के अनुरूप हो। सदस्य किसानों की ओर से समिति द्वारा फसलों के भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा कीमत समर्थन नीति भी अपनाई गई, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करते रहने के लिए प्रेरणा देने के लिए उन्हें बाजार की निश्चितता से सुरक्षित रखने के लिए कीमत समर्थन नीति लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम कीमत देने का विश्वास सुनिश्चित करती है सरकार, और व्यापारिक एजेंसी जो सरकार की वह समर्थन कीमत पर किसानों के द्वारा बेचे जाने वाली उपज को खरीदने का प्रबंध करती है। इसके बाद आते हैं कृषि संबंधी सुधार जो हैं उनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स के उपलब्धि में है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, कृषि संबंधी सुधारों फलस्वरूप भारतीय कृषि में पर्याप्त सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था में एक बिल्कुल पिछड़े और गतिहीन क्षेत्र से कृषि अर्थव्यवस्था में विकासशील क्षेत्र के रूप में उभरी है। ये उपलब्धि इतनी प्राप्त है, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। फसलें इसके कारण जो है 1967-68 में स्टार्ट हुई थी और खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 1967-68 में ही 25% की वृद्धि हुई थी।
प्रथम जो फेज था उसमें 60 के दशक के मध्य से ये 1965 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो ये पहले जो हरित क्रांति का परिसर जो अधिकतर जो है गेहूं और चावल को उगाने वाले क्षेत्र तक सीमित था, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन जो सेकेंड फेज था 1970 जो 70 के दशक के मध्य से स्टार्ट हुआ था और 80 के दशक के मध्य तक चला। इस अवस्था में हरित क्रांति का प्रभाव व्यापक हुआ और देश के विभिन्न भागों और फसलों पर पड़ा। अब देखते हैं कि हरित क्रांति की क्या विशेषता थी। पहले तो फसलों के उत्पादकता में वृद्धि हुई, राइज इन प्रोडक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। गेहूं की उत्पादकता जो 1951 में 663 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी वो 2013-14 में 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। चावल की उत्पादकता 1951 में 668 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी वो 2013-14 में 2400 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। मक्का की भी इसी तरह बढ़ी। तो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि भी समान रूप से अन्य फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। दीर्घकालीन अवधि में कृषि की उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि हुई और क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, अधिक उपज देने वाले वीर तकनीकों के प्रयोग ने फसलों के बोने और काटने के बीच समय को अंतर कम कर दिया। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भूमि को प्रति जो छोड़ने की आवश्यकता दूर कर दिया। इसके फलस्वरूप दोहरी फसल उगाना आसान हो गया। इससे खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र के पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके अनुसार योजना अवधियों के दौरान खेती के अंतर्गत क्षेत्रों की लगभग 40% वृद्धि हुई। 1950-51 में खेती के अंतर्गत जो कुल क्षेत्र 13 करोड़ हेक्टेयर था वो बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया। इसके अलावा जो प्रति छोड़ना क्या होता है, जब भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे यूज नहीं किया जाता, उसे कहते हैं प्रति छोड़ना फेलोइंग। इसे समाप्त कर दिया था HYV सीड्स या टेक्निक ने। इसके बाद है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की तरफ परिवर्तन, ए चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, उत्पादकता वृद्धि तथा क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण कृषि की काफ़ी बिक्री योग्य अधिक हमें प्राप्त हुआ, जिससे किसानों की प्रयोज्य आय बढ़ने लगी। उन्होंने कृषि को निर्वाह कृषि के बजाय व्यापारिक कृषि को की तरफ खिसकने के लिए वे प्रेरित हुए और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में कृषि जो है का व्यापारीकरण हुआ। इसके बाद है कृषि के किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। कृषि के व्यापारीकरण के कारण किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। खेती को केवल निर्वाह के जीवन के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाने लगा, व्यापारिक कार्य के रूप में भी देखा जाने लगा और उत्पादक की क्रिया में गत्यात्मकता बल मिला, तेजी मिली। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रफल की वृद्धि और उत्पादकता वृद्धि के कारण भारत ने खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना शुरू करा और यह स्टॉक जब निम्न पूर्ति होती है या कमी होती है खाद्यान्न की तब स्टार्ट उसका यूज करना करा, जिससे सेल्फ सफिशियंसी हमें मिली। संक्षेप में हम कह सकते हैं तकनीकी संस्थागत और सामान्य सुधारों के फलस्वरूप भारत में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, फसल के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई और स्वतंत्रता के बाद हमें जो है आत्मनिर्भरता खाद्यान्न में प्राप्त हुई। किंतु जो हरित क्रांति है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जो तकनीकी सुधार और भूमि सुधार और सामान्य सुधार हुए, कृषि संबंधी सुधार भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति लाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। जब कृषि में परिवर्तन हम पिछले रिकॉर्ड से हम देखें तो हुआ है, लेकिन अगर उन्नत देशों की तुलना में हम देखें तो हमारा जो उत्पादन जो हमारी उत्पादकता है वो कम है। गेहूँ के मामले में हमारी 2.8 टन है जबकि फ्रांस और यूके की 6.5 और 7 टन है। और चावल की जो मामले में देखें तो भारत की जो है 3.2 टन है जबकि चीन में 6.7 और ये 2011 का आंकड़ा है। इसके अलावा जो हरित क्रांति है वो सीमित फसलों पर रहा। हरित क्रांति का जो है प्रभाव पड़ा वो केवल सीमित फसलों गेहूं और चावल तक ही सीमित था। दालों एवं व्यापारिक फसलों जैसे जूट, कपास और चाय आदि के उत्पादन में इसकी कोई वृद्धि खास देखने को नहीं मिली। इसके अलावा असमान फसलें, अनइवन स्प्रेड, हरित क्रांति का विस्तार भी सभी क्षेत्रों पर समान रूप से नहीं पड़ा। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पर तो पड़ा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा सीमित कृषक आबादी, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, हरित क्रांति महंगी आगतों पर निर्भर करती है। सीमांत किसान प्राय इन आगतों को प्राप्त करने में असहाय होते हैं। छोटे व सीमांत किसान फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। वास्तविक तथ्य है कि HYV तकनीक ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में अच्छे परिणाम दिखाए जहां सिंचाई के स्थायी साधन उपलब्ध थे। सीमांत किसान हरित क्रांति के लाभों से वंचित रहे। भारत में केवल धनी किसान ही हरित क्रांति के लाभ उठाने में सफल रहे क्योंकि उनके पास स्थायी सिंचाई के स्थिर साधन थे। इसके अलावा आर्थिक विषमता, हरित क्रांति के कारण पिछले समय में आर्थिक विषमता यानी असमानता को का जन्म हुआ क्योंकि धनी व निर्धन किसानों के बीच खाई बढ़ गई। भारतीय कृषि में निर्धनता बड़े पैमाने पर कुछ इस तरह फैली है कि सरकार कई बार ऋण माफ करना पड़ा और भारत पर राजकोषीय बोझ भी बढ़ा। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने उत्पादकता बढ़ाई, उत्पादन बढ़ाया, लेकिन साथ ही ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें अमीरों यानी धनी और निर्धन के बीच असमानता बढ़ गई और उन्नत देशों की तुलना में हमारी उत्पादकता अभी भी कम है।